मेमोरी रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज आ रही है सर की? ठीक है, चलिए चलिए। हमने कल पढ़ लिया था, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और हम क्विकली जाएंगे। जस्ट आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए कि इस वीक के बाद 3 more weeks, तो टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, कोर्स काफ़ी सारा है, तो हम थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे और एवरी वीक यू विल हैव क्विज। ठीक है, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा, वी गॉट 3 weeks। चलिए, हमने ये सिंबल पढ़े थे और समझा भाई, और देर आर टू टाइप्स, ये भी इस्तेमाल होता है, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट। तो दरमियान में अगर सर्किल है तो वो एक प्रोसेस को शो करता है, या फिर ये रेक्टेंगुलर विथ राउंड कॉर्नर्स, ये भी होता है, इसमें दोनों में नाम लिखा जाता है। ठीक है, और दोनों है, ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स करके आप यूज़ करें, या तो राइट वाले यूज़ करेंगे या लेफ्ट वाले यूज़ करेंगे, डोंट मिक्स इट। ठीक है, हमने कहा था जो प्रोसेस बनाया जाता है जिससे हम शुरू करते हैं प्रोसेस को समझना, उसको हम एक सर्किल बना देते हैं या ये बना देते हैं, और फिर उसमें उसका नाम लिख देते हैं और उसमें जो भी इनपुट आ रहे होते हैं, तो एक एक करके हम देखते जाते हैं। तो प्रोसेस को हम एज ए ब्लैक बॉक्स देखते हैं, उसकी डिटेल नहीं लिखते हैं, बाद में उसको एक्सपेंड करते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। ठीक है ना, वी डोंट राइट डिटेल्स इन। ठीक है, हमने कल पढ़ लिया था कि दैट इज़ शोन एज ए ब्लैक बॉक्स, उसकी डिटेल शो नहीं करते हम, ये देखते हैं उसकी बाउंड्रीज क्या हैं। ठीक है ना, कौन कौन से सिस्टम से, कौन कौन सी एक्सटर्नल एंटिटीज से वो डेटा ले रहा है या डेटा दे रहा है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन मोर डिटेल हम उसके लेवल 1 में या 2 में डाल देते हैं। तो हम लेवल 0 देखेंगे, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, फिर 1 देखेंगे, और फिर आज अगर मैं बस वक्त रहा तो हम और 2 लेवल्स तक देख लेंगे। ठीक है, ये हमने डेटा फ्लो, यानी किस जगह से किस जगह, एरो इसमें ज़रूरी होता है कि सोर्स है या डेस्टिनेशन है, यानी हम जो सिस्टम है उसको डेटा प्रोवाइड कर रहा है या फिर डेटा ले रहा है। ठीक है ना, ये एरो दिखा रहा होता है। जैसे हमने देखा कि हम जो है पेमेंट की रेट और आवर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी एक्सटर्नल एंटिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा देखा था डेटा फ्लो डायग्राम के, इसका नाम लिखा था सैलरी रेट, डेटा फ्लो का नाम था, और फिर हमने एक एरो बनाई थी, यानी जो एक्सटर्नल एंटिटी से आपके सिस्टम कैलकुलेट सैलरी की तरफ जा रहा था वो। तो ये दोनों चीज़ें आप करते हैं, इससे क्या चीज़ कैलकुलेट होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी टोटल सैलरी जो है वो कैलकुलेट होके सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी भी तरह से। ठीक है, ये हमने देखा था, उसका नाम एक नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। नाउन का मतलब है कोई रीजनेबल सा नाम जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जैसे लिखा हुआ है सैलरी रेट। सैलरी रेट का मतलब है जो भी है, 2,000 रुपये घंटा है, 3,000 रुपये घंटा है, या 1,500 रुपये घंटा है। ठीक है, और कितने घंटे काम किया, आवर वर्क, तो इससे पता चल गया। ठीक है, डेटा स्टोर जो है उसका सिंबल है, 2 लाइनें होती हैं और उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे आपका डेटा जो है वो अच्छा, ये याद रखिए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर ये चीज़ें मिस होंगी, डेटा स्टोर नहीं होता है उसमें, क्योंकि सिस्टम को दिखाया ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट लेवल में जाते हैं तो डेटा दिखाया जाता है और उसमें फिर ये आ जाता है, तो 0 लेवल में आपको ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, तो डेटा स्टोर, ठीक है ना, तो डेटा स्टोर जो होता है वो फर्स्ट लेवल में या 0 लेवल में नहीं दिखाया जाता है, उसके बाद दिखाया जाता है। तो ये आपको दिख रहा है नाम आपके डेटा स्टोर, डेली पेमेंट अकाउंट रिसीवेबल, ये नाम है उसके और ये है उसका सिंबल, ये 2 लाइनें और इसको आपने जोड़ दिया है, और ये पोस्ट पेमेंट से यहाँ डेटा आ रहा है और यहाँ से डेटा जो है वो प्रिपेयर डिपॉजिट्स पे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये है क्रिएट इनवॉइस से डेटा आ रहा है यहाँ पर और पोस्ट पेमेंट से जा रहा है। ठीक है, तो एरो बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। ठीक है, जो लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, ये किताब की फिगर है 5.7, मैंने बताया था चैप्टर 5 है, एग्जाम्पल ऑफ द करेक्ट यूज ऑफ द डेटा स्टोर्स। आगे चलते हैं, फिर ये पूरे जो सिस्टम है किन लोगों से बात कर रहा है, व्हाट आर द एंटिटीज। ठीक है, इनको एक्सटर्नल एंटिटीज का मतलब है सिस्टम से बाहर होंगी, है जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं या सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं उससे बाहर क्या चीज़ें हैं, तो सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करेगा। जैसे कल हमने बात की थी एक ATM मशीन है जिसका सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, तो ATM
में हमने कल बात की थी कि देर आर थ्री सिस्टम्स या थ्री एक्सटर्नल एंटिटी एटीएम में. एक तो आप हैं, अगर यूजर हैं आप कार्ड डालेंगे और रिक्वेस्ट पिन डालेंगे और पैसों की रिक्वेस्ट करेंगे, एक आप हैं. बट एटीएम में और भी एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जो शायद हम उस वक्त नहीं देख पाए थे. एक एक है जी बैंक, और क्योंकि बैंक में अगर वो ट्रांजैक्शन जो भी आपका अकाउंट है उसको ओपन होना चाहिए और उसमें पैसे होने चाहिए, ठीक है ना. दूसरा ये कि आपका वैलिड अकाउंट हो, आपकी वेरिफिकेशन हो, ठीक है ना. तो आपका आप हैं, आपका वैलिड अकाउंट है, और दूसरा उसमें जो भी क्रेडिट डिटेल्स हैं, जो भी आपकी बैंक की डिटेल्स हैं. तो बैंक है, आप हैं, और कनेक्टिविटी है, ठीक है. तो ये हमने देखा था. तो जो भी है, डी एफ डी शोज द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, कि यानी आपका जो सिस्टम है वो हाउ द सिस्टम इंटरफेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड. आउटसाइड वर्ल्ड मतलब सिस्टम से बाहर, ठीक है. तो किस तरह से वो इंटरफेस करेगा. एक्सटर्नल एंटिटीज को हम एक और नाम भी देते हैं, टर्मिनेटर भी कहते हैं, क्योंकि या तो इनसे डेटा ओरिजिनेट होगा या फाइनल डेस्टिनेशन होगा, ठीक है. ठीक है भाई, क्लियर है ये बात. तो सिस्टम को समझने के लिए हमने जैसे अभी एक कल एक एग्जाम्पल देखी थी, ठीक है, उसको जरा मोर डिटेल कर लेते हैं. तो एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है, या तो डेटा सप्लाई करी होंगी, डेटा कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, ठीक है. जैसे एटीएम पे आप गए तो आप क्या करेंगे, कार्ड डालेंगे और पिन नंबर डालेंगे, तो आपके सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, ठीक है, आप सोर्स होंगे, ठीक है. लेकिन वो डेटा जाएगा केबल के थ्रू बैंक में, बैंक उसको मैच करेगा, ठीक है ना, और फिर वापस भी डेटा आएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है. तो एंटिटी रिसीव द डेटा फ्रॉम दिस सिंक, ठीक है. ये नाम हो सकते हैं, जैसे एटीएम की अगर बात करूं तो कस्टमर हो सकता है, बैंक हो सकता है, ठीक है ना. तो डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन, ठीक है ना, ये हो सकते हैं उसके नाम. एक्सटर्निटी सोर्स हो सकती है या सिंक हो सकती है, डेटा की बात हो रही है. डेटा का सोर्स हो सकती है, डेटा प्रोवाइड करेगी, या डेटा रिसीव करेगी, सिंक करेगी, या दोनों हो सकती है, ठीक है. सिंक का मतलब है लेगी, सोर्स का मतलब प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना, और या बहुत हो सकती है, ठीक है. क्लियर है बात, या कोई मसला है, क्लियर हो रही है बात. तो हम सिस्टम को समझने के लिए डेटा एनालिसिस, हम कहते हैं ना रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो हम समझ रहे हैं सिस्टम को. कल हमने बताया था कि जनाब सिस्टम बनाने से पहले आप उसको समझते हैं कि करना क्या है, समझने के बाद फिर आप उसको डिज़ाइन करते हैं या एनालाइज करते हैं, और फिर आप कहते हैं जनाब ये चाहिए मुझे, ठीक है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब ये ग्रेडिंग सिस्टम जो कल हमने पढ़ी थी उसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि बाकी सिम्बल्स भी देख लें और चीज़ें भी देख लें. अब ये एक डायग्राम बनी हुई है उसी किताब से, तो इसको ज़रा समझते हैं कि जो दरमियान वाली चीज़ है ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम की हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम फॉर ए ग्रेडिंग सिस्टम. तो ग्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाएंगे, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, इसको हम प्रोसेस कह रहे हैं, फिर ये डेटा फ्लो क्या चीज़ है, एक एक करके देखते जाते हैं. तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है, इट्स ए टॉप व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो आप सिस्टम बनाएंगे ग्रेडिंग सिस्टम, मैंने आपसे कहा बनाने को, तो आप ये देखेंगे जी ग्रेडिंग सिस्टम में व्हाट आर द बाउंड्रीज, कौन कौन डेटा एंटर करेगा और कौन कौन डेटा रिसीव करेगा. तो ये आपने डायग्राम बनाई सबसे पहले, ठीक है, यानी सर्किल बना दिया, ये बना दिया. तो ड्रॉ ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, स्टार्ट बाय प्लेसिंग अ सिंपल प्रोसेस सिंबल, ठीक है, ये आपने डाला, और इसको आपने स्टडी करना है. सिंबल रिप्रेजेंट द इंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यू रिप्रेजेंट इट बाय प्रोसेस जीरो, ठीक है, जो आपने एरो बना हुआ है, ठीक है ना, ये प्रोसेस जीरो लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप ये. इसको डी एफ डी लेवल जीरो भी कहते हैं, डी एफ डी लेवल जीरो कहते हैं या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं, ठीक है. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाओ तो भी यही बनाना है, या डी एफ डी लेवल जीरो बनाओ तो अभी आपने बनाना है, ठीक है. फिर आपसे कहा जाएगा लेवल वन बनाओ तो फिर आप लेवल बना देंगे, ठीक है. ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है. सबसे पहले ये बनाया आपने, फिर आपने बनाई एक्सटर्नल एंटिटीज. नेक्स्ट लेवल में आप देख लेते हैं ये एक्सटर्नल एंटिटीज है जनाब, ये आपने बनाई, पहले ये बनाया फिर ये बनाई. देन यू प्लेस द एक्सटर्नल एंटिटीज जिससे डेटा फ्लो होता है, फिर आप डेटा फ्लो बना देंगे, ठीक है. डेटा स्टोर जो आखिरी चीज़ है वो इसमें जीरो डायग्राम में नहीं बनाई जाती है, ठीक है, जीरो डायग्राम में नहीं बनाई जाती है. आई एम रिपीटिंग दैट वर्ड, ठीक है. अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, फिर हम ये जो डेटा फ्लो है इसको ज़रा समझेंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है. तब यहाँ आपको
सिक्स डेटा फ्लो नजर आ रहे हैं, 1 2 3 नंबर लगा दिए सर ने, तो पहला क्या करेगा, पहला आगे चल के देखते हैं, तो आपके पास एक्सटर्नल एंटिटीज कौन सी हैं, ये लिखी हुई हैं एक्सटर्नल एंटिटीज, कल भी हमने देखा था ग्रेडिंग सिस्टम में स्टूडेंट होगा, ठीक है ना, स्टूडेंट क्या करेगा, जो भी उसका उसको काम दिया जाएगा वो सबमिट करेगा, असाइनमेंट क्विज एग्जाम, और टीचर उसको ग्रेड करेगा, ठीक है, इसका मतलब है टीचर भी होगा इंस्ट्रक्टर भी होगा, तो इंस्ट्रक्टर उसमें आ जाएगा, ठीक है, एज पर शेड्यूल क्लास का या सेमेस्टर का जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से वो क्लास लेगा, असाइनमेंट्स क्विज देगा, एग्जाम देगा, बच्चा उसको सबमिट करेगा, और उस पर ग्रेडिंग रिपोर्ट जो है वो टीचर्स बच्चे को डायरेक्टली नहीं देगा, ग्रेडिंग सिस्टम देगा, ठीक है, जो नंबर 5 नज़र आ रही है आपको, ग्रेड रिपोर्ट, ठीक है, और जो भी ग्रेडिंग पैरामीटर्स हैं वो अपनी तरफ से बना के दे देगा, ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम समझ लीजिए या एग्जामिनेशन रिकॉर्ड सिस्टम समझ लीजिए, ये वही चीज़ है जो कल मैंने बात की थी। अब ये एक्सटर्नल एंटिटीज क्या है, एक्सटर्नल एंटिटीज स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम क्या है, ये डेटा एंटिटी सप्लाइज डेटा थ्रू द क्लास रोस्टर, क्लास रोस्टर कुछ नहीं है एक्चुअली, टाइम टेबल है, यानी शेड्यूल एग्जाम उसका जो आपका क्लास का टाइम होता है ना, क्लास रोस्टर का मतलब क्लास टाइम टेबल, हमारे यहाँ टाइम टेबल कहते हैं, वहाँ पर रोस्टर कहते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का, तो वो रिसीव करेगा और उस हिसाब से टीचर्स को अपनी अपनी क्लास का शेड्यूल पता चल जाएगा, उस हिसाब से वो क्लास लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट सप्लाई करेगा डेटा, कौन सा, सबमिटेड वर्क, ठीक है ना, तो सबमिटेड वर्क जो है वो आपको देगा और फिर आपको ग्रेड जो है ना आपको असाइन होंगे सिस्टम से। इंस्ट्रक्टर या टीचर क्या करेगा, टीचर जो है वो सप्लाई करेगा थ्रू अब जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है उससे वो ग्रेड आपको देगा, ठीक है ना, और रिसीव करेगा थ्रू द ग्रेड रिपोर्ट, ठीक है, तो समझ में आ गया, पहले एक जीरो सर्कल बनाया या ये डायग्राम बना दिए, उसके बाद एक्सटर्नल एंटिटी बना दी, फिर हमने डेटा देखा कि किस तरह से फ्लो होता है, तो समझ में आ जाता है कि ग्रेडिंग सिस्टम में और कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है, अब इसमें डिपार्टमेंट नहीं होगा, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसमें कोई फाइनेंस नहीं होगा, ठीक है, जैसे ठीक है, तो हम बहुत सिंपल सी बात करें, बाद में डेटा रुक जाता है या रिजल्ट रुक जाता है, पब्लिश नहीं होता कि उन्होंने फीस जमा की नहीं, तो हम उसकी बात नहीं करें, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, लेकिन अगर सिस्टम्स को देखा जाए तो उसमें स्टूडेंट है, टीचर है और एग्जामिनेशन सेल है बस, तो हमें समझ में आ गया, अच्छा जैसे समझ में आया तो उसको बनाना आसान है, अच्छा इसकी ये स्क्रीन होगी, स्टूडेंट्स क्या करेगा, असाइनमेंट्स डालेगा, टीचर क्या करेगा, ये करेगा, इसकी ये स्क्रीन होगी, फिर ये प्रोसेस होगा, ठीक है, तो पहले सिस्टम समझेंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग समझेंगे, फिर उसको बनाएंगे, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, एवरीथिंग इज ओके, एनी इशू, कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो, अब ये एग्जाम में आ जाएगा कोई इसी तरह का कि भाई ये है सिस्टम इसका DFD बनाइए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये DFD लेवल 0 को हमने तोड़ दिया है, ठीक है ना, यहाँ 0 था, ये देखिए ये 0 है ग्रेडिंग सिस्टम, और ये 1 2 3 4 में ब्रेक हो गया, याद है हमने जो एग्जाम्पल की थी उसमें भी ऐसे की था, तो ये लेवल 1 के ऊपर डेटा आ गया, डेटाबेस पहले वाले में नहीं थी, इसमें आ गई है, तो लेवल 0 को हमने तोड़ लिया, एक्सटर्नल एंटिटीज वही रहेंगी, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट है, इंस्ट्रक्टर है, एक्सटर्नल एंटिटीज वही रहेंगी डिटेल समझने के लिए कि जो उसको हमने पहले ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम को, ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ चीज़ें आ गई, फाइनल ग्रेड आ गया, स्टूडेंट का वर्क आ गया, प्रोड्यूस ग्रेड रिपोर्ट आ गया, इस्टेब्लिश ग्रेड बुक, यानी जो आपकी स्टूडेंट्स का नाम, सेमेस्टर और ये सारी चीज़ें ये की जाती है ना, तो आपका ग्रेड बुक में क्या चीज़ होती है, आपका नाम होता है और सेमेस्टर होता है और सब्जेक्ट होता है, उसमें फिर डेटा डाला जाता है, इंस्ट्रक्टर जो है ना उसमें डेटा डाल रहा होता है, ठीक है, उसमें अपनी तरफ से नाम नहीं डाल सकता, ठीक है, अपनी तरफ से कोई सब्जेक्ट नहीं डाल सकता, फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग ए सब्जेक्ट, तो जो
स्टूडेंट्स हैं वो कहीं से पॉपुलेट हो रहे हैं ना, 40 हैं या 42 हैं, वो मैं नहीं चेंज कर सकता। तो वो एस्टैब्लिश कोई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है जो एक उस कोर्स की, उस सेमेस्टर की बुक एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ कोर्स उसमें पैरामीटर्स डालूंगा, मिड टर्म के नंबर, असाइनमेंट के नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही है। और ये कहीं डेटाबेस होगी, ग्रेडिंग बुक जो भी होगी, आप लोगों का सारा डेटा यहाँ डाल रहा होगा, ठीक है ना, यानी आपकी कोर्स डाल रहे होंगे सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली सारा कुछ होने के बाद एक फाइनल ग्रेड बन जाएगा जो आपको पब्लिश हो जाएगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, कब, जब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? ये तीन डायग्राम, चार डायग्राम समझ में, चार चीज़ें एक्चुअली, ये है एक्सटर्नल एंटिटीज़ है, ये डेटाबेस है, और ये एरोज है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं, इसको ज़रा समझ लेंगे, बना देंगे, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर है? हम आगे चलें भाई लोग, कोई मसला तो नहीं है, समझ में आ रही है बात? सही है, ठीक है, चलिए। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल है, एक छोटा सा सिस्टम देखेंगे, और हम क्योंकि हम इससे वाकिफ हैं तो हम पेशेंट इंफॉर्मेशन, नॉर्मली लोग पेशेंट इंफॉर्मेशन कह लें, क्लिनिक कह लें, अगर आप क्लिनिक जाते हैं तो आप जो भी पेशेंट है और डॉक्टर है, तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो, और डॉक्टर जो है आपको पेशेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और पेशेंट की रिपोर्ट डॉक्टर को जो भी डेटाबेस में वो मिल जाएगी। तो ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, इसके अलावा कोई चीज़ अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। अभी हम इसमें रिपोर्ट्स पेशेंट इंफॉर्मेशन में ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई और पता ना, लैब रिपोर्ट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, तो अभी हम इन पेशेंट की बात नहीं कर रहे, हम आउट पेशेंट की बात कर रहे हैं। आउट पेशेंट में कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई लैब रिपोर्ट नहीं होगी, कोई दवाइयाँ नहीं होंगी, सिर्फ पेशेंट ने दिखाया डॉक्टर को और डॉक्टर को दिखा के वो चला गया, दवाई कहीं और से लेगा, लेबॉरेटरी करानी है तो वो कहीं और से करेगा। ये हम आउट पेशेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये क्लिनिक में जो दिखाएगा। तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाली जाएगी, नाम, सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए, एक्सटर्नल एंटिटीज वही रहेंगी, पेशेंट और डॉक्टर, लेकिन जो जीरो सिस्टम है वो ब्रेक हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, और ये डॉक्टर है, वही दो इंटरनल एंटिटीज हैं, लेकिन जो जीरो था वो ब्रेक हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5 में, और यहाँ डेटाबेस आ गई, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, पेशेंट का नाम डाला जाएगा, उसको ढूंढा जाएगा, इसका मतलब है डेटाबेस थी, उसमें अगर वो नहीं है तो फिर उसको पेशेंट को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है ना, ऐड पेशेंट कर लिया जाएगा, और अगर है, मिल गया है, तो उसको प्रिंट किया जाएगा और डॉक्टर को दे दिया जाएगा या रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और ये अपडेट हो सकती है, डिलीट हो सकता है, उसका डेटा अपडेट हो सकता है, यानी डेटा था, डॉक्टर ने कुछ और चीज़ें लिख दी तो डेटाबेस से अपडेट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, ऐड हो सकती है, ठीक है ना, ये सारे जो बेसिक ऑप्शन है इसको अलग अलग करके दिखाया है, ऐड, डिलीट, अपडेट, ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर उसको व्यू कर सकता है, उस डेटा को व्यू करेगा, पहले आया था तो मैंने क्या क्या चीज़ें दी थी, या किसी और डॉक्टर का डेटा भी दे सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा है कि आपको समझते हैं, अच्छा तो अब क्या हो गया इसमें, आपको एक तो स्कोप समझ में आ गया कि जी हम इन पेशेंट को नहीं देख रहे हैं, यानी जो हॉस्पिटल में दाखिल होता है उसको रूम भी देते हैं, बेड भी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं, और उसको रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, एक्सरे लेना है या कोई ब्लड चेक करनी है तो रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है ये पेशेंट इंफॉर्मेशन सिर्फ आउट पेशेंट की बात हो रही है, कि मैं गया क्लिनिक में और मुझे कान में दर्द हो रहा था, तो ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसने देखा और 400 रुपये लिए, 500 रुपये लिए, और मैं बाहर आ गया। अब दवाइयाँ लिखी हैं, उसने कोई और चीज़ लिखी है, तो मैं कहीं और से लूँगा, स्टोर से लूँगा। तो दैट्स अ क्लिनिक, जो नॉर्मल क्लिनिक सिस्टम होता है। तो उसको समझने के लिए बिफोर आई ड्रॉ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि जनाब उसमें ये होगा, एक स्क्रीन बनेगी जिसमें डेटा एंटर होगा,
और वही स्क्रीन जो है वो अपडेट हो सकती है, ठीक है ना, या फिर पहली दफा है तो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, उसका डेटा ऐड किया जाएगा, या उसका डेटा डिलीट हो सकता है कि ये पेशेंट हमारे पास से अब चला गया, 3 महीने हो गए या 3 साल हो गए तो नहीं आता है, तो उसको हमने डिलीट कर दिया, जो भी है। नॉर्मली डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है तो वो अपडेट कर दें, ठीक है, तो सिंबल समझ में आ रहे हैं क्या? सिंबल हो गए, दरमियान में या तो सर्किल होगा या ये होगा, ठीक है, सर्किल होगा या ये होगा, या ये एक्सटर्नल एंटिटीज और डेटा फ्लो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, सिस्टम समझ में आ जाता है। दैट वाज द लास्ट स्लाइड, क्लियर है? अब हम अटेंडेंस ले लें और नेक्स्ट स्लाइड को शुरू कर दें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, जी, तो हम एक एग्जांपल है, असल में बात यह है कि सिस्टम को समझने के लिए आपको डोमेन की नॉलेज जरूरी होती है, तो आई हैव टेकन एन एग्जांपल, एक्चुअली नेट से एग्जांपल ले ली, एक बेवरेज बेचने वाली की, ठीक है ना, उसकी एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ी चुके हैं। अब ये है क्रिएटिंग ए डेटा फ्लो डायग्राम फॉर कोई भी बेवरेज आप बेच रहे हैं, लेमिनेट बेच रहे हैं, तो इसके सिस्टम है, एक्चुअली इसको मत देखिएगा, सेल्स का सिस्टम है, रॉ मटेरियल परचेज करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो ये पूरी फैक्ट्री को आप समझ सकते हैं। सेल्स का सिस्टम यहाँ छोटा सा आसान होगा, जैसे होते 3-4 मटेरियल खरीदेगा, जो रॉ मटेरियल होगा जिससे वो आपको लेमिनेट बनाएगा और प्रोड्यूस करेगा, तीनों चीज़ें मिलाएगा घोलेगा, तो फैक्ट्री में किसी और तरह से प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो 3 सिस्टम है, सेल्स परचेज प्रोडक्शन। अगर आप किसी भी ERP को समझना चाहते हैं तो ये 3 सिस्टम को समझ लीजिए और उनको, ठीक है, तो डोंट कंसीडर दिस एज ए लेमिनेट स्टैंड बट कंसीडर दिस एज ए सेल्स परचेज एंड प्रोडक्शन, तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ठीक है, तो हम इसकी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। हमने 2 डायग्राम देख लिए हैं, सिंबल्स देख लिए हैं, ठीक है, अब एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम देखेंगे कि हम किस तरह से करते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया है, हम उसको सर रिवाइज कर रहे हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम को, पहली डायग्राम जो हम बनाते हैं वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, इसमें सिर्फ सोर्स और सिंक को डालते हैं, फिर उसके बाद हम लेवल 1, लेवल 0 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये एग्जांपल है लेमिनेट स्टैंड की जो हम यूज़ करेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे, तो ये पहला स्टेप है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ठीक है, फिर उसमें हम सोर्स बनाएंगे, फिर हम 0 लेवल बनाएंगे, उसमें मैनेजेबल सब प्रोसेस बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो पहली चीज़ जो है ना, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होगी, तो मैं लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होगी कि मेरी दुकान, इस पे कस्टमर आएगा, कस्टमर ऑर्डर करेगा और मैं प्रोडक्ट उसको, जो ऑर्डर करेगा वो मैं उसको दे दूंगा और मैं उससे पैसे ले लूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं क्या करूंगा, बैक एंड में जब ऑर्डर करेगा तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और बनाने से पहले रॉ मटेरियल स्टोर कर रहा हूँगा, ठीक है ना, रॉ मटेरियल स्टोर होंगे, प्रोडक्ट बनाऊंगा और उसको सर्व करूँगा, ठीक है ना, ये उसने ऑर्डर दिया, तो ये एक्टिविटीज़ हो गई मेरी, क्लियर है यहाँ तक? ये एक्टिविटीज़ को फिर मैं देखता हूँ कि किस तरह से, तो अब ये मैंने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बना दिया है, ठीक है ना, कोई और तो चीज़ें हैं नहीं है, हाँ इन 2 चीज़ों में कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने सोची नहीं है, मतलब मुझे मालूम है कि जनाब कस्टमर और वेंडर के अलावा मुझे स्टोर शुरू करने से पहले या स्टॉल लगाने से पहले रॉ मटेरियल जो भी चीज़ें उसमें डलती हैं वो ख़रीदनी पड़ती हैं, उसको पैसे देता हूँ और यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसको पैसे देता हूँ, ये एक्टिविटीज़ भी मेरी होती हैं। तो अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो वहाँ रॉ मटेरियल, जैसे अगर गाड़ियाँ बना रही है या चिप्स बना रही है तो चिप्स के लिए आलू खरीदेगी और नमक खरीदेगी, फलानी चीज़ खरीदेगी, तेल खरीदेगी, ठीक है ना, तो वो खरीद के रखा होगा उसने, फिर वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी और फिर दुकानों पे चला जाएगा, वो बिकेगा, ठीक है ना, ठीक है, तो एडिशनल एक्टिविटीज मैंने देख ली। अब इनको थोड़ा सा ग्रुप कर दिया मैंने, ठीक है, आप देख रहे हैं कलर, मैंने एक ब्लैक कर दिया है, फिर ये रेड कर दिया है, फिर एक ब्लू कर दिया है, ठीक है, तो मैं इनको देख रहा हूँ कि ये कैसे कैसे अलग अलग होंगी, तो एक्चुअली मैं ये एक्सटर्नल एंटिटीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ग्रुप दिज एक्टिविटीज इंटू सम लॉजिकल फैशन, पॉसिबली फंक्शन एरिया, तो ये फंक्शन क्या है, सेल्स का फंक्शन नजर आ रहा है मुझे, कस्टमर का ऑर्डर है, फिर मैंने प्रोडक्ट सर्व किया है, ये सेल्स का नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट
प्रोड्यूस हो रही है, स्टोर हो रही है, ये मुझे प्रोडक्शन का वो नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर रॉ मटेरियल और पे फॉर द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल नज़र आ रहा है। फिर एक और चीज़ जो कहीं भी नहीं है, जो मैंने सामान लाना है, ले जाना है, रॉ मटेरियल ख़रीद के लाना है दुकान से घर यहाँ तक, तो वो जहर सी बात है, या तो मैं खुद करूँगा या फिर किसी मजदूर से या रिक्शे पे लाऊंगा, तो वो भी एक पेमेंट है, ठीक है। तो दीज आर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। अब आप ये सोचेंगे और हो सकता है आप आगे चले जाएं, तो फिर आपको कोई चीज़ याद आए तो इसमें ऐड कर लें। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, क्रिएट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। मैं दोबारा से पीछे जा रहा हूँ, क्रिएट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये पहली चीज़ होगी, क्रिएट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। इनको ग्रुप कर दिया। अब मैंने ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, लेफ्ट साइड पर रख दिए, ठीक है ना। क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा अब इनसे, ठीक है। तो अब ये मुझे नज़र आ रहा है, ये कस्टमर है और ठीक है। ओप्स 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 ओप्स, 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने कहा एक एम्प्लॉई है जो और एक वेंडर है, ठीक है। अब वेंडर वो है जो मुझे रॉ मटेरियल देता है, ठीक है, और एम्प्लॉई वो है जो प्रोडक्शन करेगा, और ये मेरा सिस्टम है लेवल 0। अब मैं देखता हूँ इसको, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा, अब ये कस्टमर है, मैंने जो ग्रुप में तोड़ा था, ये कस्टमर है, ये मेरा एम्प्लॉई है जो मेरी प्रोडक्ट बनाएगा, तैयार करेगा मेरे सारे चीज़ें, ये मेरा वेंडर है जो मुझे सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल, और ये भी मेरा एम्प्लॉई है जो मेरे लिए चीज़ें उठा के लाएगा, रखेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो दीज आर द एक्सटर्नल एंटिटीज, ये एक्सटर्नल एंटिटीज है, ये एक्सटर्नल एंटिटीज है, ये एक्सटर्नल एंटिटीज है, और मेरा ये स्टैंड लगा हुआ है जहाँ मैं लेमिनेट सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम या लेवल 0 की डायग्राम। तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बना दी, ये एक्चुअली वो डेटा फ्लो है, ठीक है। अब इसको जरा देखिए, कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर ऑर्डर करेगा, पहली वाली चीज दिख रही है आपको, कस्टमर ऑर्डर करेगा, ये कस्टमर ने ऑर्डर किया। मैं क्या करूँगा, या लेमिनेट सिस्टम क्या करेगा, अब वो ठीक है कि उसमें वो वेंडर से भी कांटेक्ट होगा, बनाएगा भी, प्रोडक्ट करेगा, फिर उसको देगा, लेकिन बहरहाल अभी इसको बाकी चीज़ों को नहीं देखते। कस्टमर ने ऑर्डर किया और मैंने उसको 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद प्रोडक्ट सर्व कर दिया, प्रोडक्ट सर्व कर दिया और उससे पैसे ले लिए, ठीक है। कस्टमर का काम खत्म हो गया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, मैंने उसको प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट कैसे दी जाएगी, रॉ मटेरियल होगा, प्रोडक्शन होगी और ये दे दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉय में क्या काम हो रहा है, एक तो ब्राउन वाला काम है जनाब, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होगी, स्टोर हो रही होगी, ठीक है। ठीक है, और अब ये सेल्स फोरकास्ट को मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, सेल्स फोरकास्ट क्या होती है अगर आप फैक्ट्री हैं या सारा कुछ है। एक्चुअली जब स्टैंड लगता है ना, तो मुझे मालूम है कि अंदाजन कितने मेरे पास एम्प्लॉय आएंगे या कितने मेरे पास कस्टमर आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं छुट्टी वाले दिन मेरे पास 200 कस्टमर आएंगे, लेकिन आम दिनों में क्योंकि वर्किंग डे है तो ज़रा कम आएंगे, तो उसी हिसाब से मैं रॉ मटेरियल लेकर आऊँगा, ठीक है ना। ठीक है ना, अगर आपने कहीं सड़क पे देखा हो कहीं जो बर्गर बेचता है, तो उसके पास बहुत सारा आइटम होगा, उसमें मालूम होगा कि अंदाजन कितना होता है, तो अंदाज़ा लगाएगा, तो दैट इज